वेलकम बैक टू आवर चैनल। मम्मी का दिमाग घुटनों में था पता है। Hey guys, welcome back to my channel. बोल क्या? Welcome back to my channel. Welcome back to his channel. So guys, एक बहुत good news है और मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि 28 साल में पहली बार एक्चुअली मेरे घर पे ना आज तक गणपति जी कभी आए नहीं और इस टाइम हम लोग ने दोनों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम गणपति जी को घर पे लाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे हम भी। हम दोनों इतने एक्साइटेड है और अभी हम लोग ऑन द वे हम लोग जा रहे हैं गणपति बुक करने, तो चलते हैं गणपति बुक करने। और डेकोरेशंस की बात हो चुकी है, हकला के रहो, डेकोरेशंस की भी बात हो चुकी है, अभी गणपति बुक करके आते हैं। गंदे ना हो जाए सफर, सफर बहुत महंगे हैं। तो अभी हम लोग दूसरे जगह पे आ गए क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ खास नहीं लगा और मुझे कुछ पसंद आ रहे मगर वो बहुत बड़े बड़े, जैसे ये है, फिर ये साईं बाबा का रूप है, फिर ये वाले भी है और ये देखो मोर के साथ, और बहुत बड़ा है ये। मगर अगर नॉर्मल कैमरा करके देखो तो बहुत बड़ा है यार ये 3.5 फुट है, ये भी बहुत प्यारे है। समझ नहीं आ रहा है अभी कुछ, चलो देखते हैं। सबसे यूनिक अगर यहाँ पे कुछ है तो ये लगा मुझे, तो हम लोग ने करीबन 8 से 9 दुकान देख ली है और हमें सिर्फ एक ही पसंद आया है जो दिल में बैठ गया, हमारे दिल में लगा है, तो हम वापस से वापस जा रहे हैं और अभी बुक कर लेते जाके तुरंत ही। गाइस, तो मैं बुक करके आ चुका हूँ और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप डेकोरेशन भी देखना, मैं अभी कुछ रिवील नहीं करूँगा, मैं उसी दिन रिवील करने वाला हूँ हर चीज़, इंतजार करना। घर पे अभी किसी को फिलहाल मालूम ही नहीं, जाके सबको बता देता हूँ एक बार। पॉज करो ना, बंद करो। मैं गणपति बुक करके आ गया। वो तो ठीक है, कंग्रेचुलेशन। यस, सुखी रहो। खुश नहीं हो? पहली बार आने वाला है घर पे, कभी लाए भी नहीं, खुश नहीं हो? धूमधाम से करेंगे। हाँ, अच्छी बात है ना, विसर्जन पे नाच नाच के जाएंगे, आप भी नाचोगी, ढोल वाले आएंगे, मजे करेंगे। मैं तो बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं है मैं कितना खुश हूँ। और अभी मैं आ चुका हूँ पटवा कार केयर पे क्योंकि मुझे मेरी बाइक को PPF करवाना था ताकि कोई भी स्क्रैचेस और कुछ भी मेरे बाइक पे आए नहीं। और देखो क्या चमक रही है मेरी बाइक। अब मुझे 3 साल तक गाड़ी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि PPF 3 साल की गारंटी देता है। तो ये लोखंड वाला में मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप भी जाओ और अपनी गाड़ी करवाओ पवन से। और अगले दिन मैं अपनी गाड़ी भी लेके आ गया क्योंकि अंदर से मेरी गाड़ी बहुत फीकी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ चेंजेस कर देते, तो ओनर साहब मेरे बाजू में बैठे, वो चेंज करने वाले अभी कुछ, देखते जाओ क्या करेंगे। अब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस साइड डोर्स और साइड पैनल्स पे मैं कार्बन फाइबर का फिनिश दे रहा हूँ और मेरे पैनल्स पे भी दे रहा हूँ ताकि गाड़ी थोड़ी सी और अट्रैक्टिव लगे अंदर से और स्पोर्टी लुक आए। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते और ऑफ ड्यूटी में एक से एक बेहतरीन कोरियन कपड़े और ये लोग के पास जो कार्गोज है, आउटस्टैंडिंग कार्गोज ये लोखंड वाला में, आप लोग को ट्राई करना चाहिए, ये वन ऑफ माई फेवरेट शॉप्स है। अभी जाके देखिए आप लोग। यहाँ देखना, यहाँ देखो, पता कितनी सुंदर लग रही हो तुम, रानी पद्मावत लग रही हो एकदम। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये प्रिटी प्रिटी बोल के लोगों को चिपकाते हैं गाइस, इससे आपने कुछ मत बोला करो, नो बट इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक। अवतार ने इतने ज्वेलरीज पहन लिए लग रहा है, बकवास मत। ये इसको कुछ कहते थे कि कुछ बोन कुछ
इसके यहाँ पे एक देते हैं डॉट देते हैं बना हुआ, तो वो लोग करता है। तुम्हें पता है मम्मी मम्मी का हम लोग ने एक्सरे करवाया ना घुटने का, मम्मी का दिमाग घुटनों में था पता है। नानी की डंडी साथ में रहती है। हैरी पॉटर बन जाती है छड़ी लेके छोटी सी। इस बार तो आपके गणपति जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा कभी नहीं रखा ना आप लोगों ने? नहीं लगे, वो फिक्र भी लगती है कि पूरी तरह करेगा। अब तो आदत हो गई, अब तो आदत हो गई, मेरे अभी तो करता ही था। अबे 28 साल से एक गणपति को संभाल रहा हो तो वो क्या बात है यार। तो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस से घर पे और मैं अभी वापस से निकल रहा हूँ। मैंने सोचा कि घर पे बैठने से अच्छा है कि जाके गणपति के कुछ कुछ चीज़ें जाके मुझे लेने हैं, तो जाके मैं वो सब लेके आ जाता हूँ। तो चलते जरा मार्केट घूमते आज। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं होलसेल मार्केट, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, मंदिर का सामान हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। ये मार्केट पार्ला में है और अगर आप लोग अंदर एक बार गए इसके बाद बाहर आना इतना नामुमकिन है कि आपको अंदाज़ा नहीं, इतना बड़ा है, आप खो जाओगे अंदर। घर लौटते हुए गणपति बाबा के दर्शन हो गए। गाइस ये मूर्ति देख लो कितनी बड़ी और कितनी सुंदर है यार। गणपति बाबा मौर्य, ये बचपन में खेला करते थे हम लोग, अब मजा आता था यार, अब बड़े हो गए। ए मेरे को मार दे येड़े, ओ शिट कितना जोर से मार रहा है, पागल है, मारेंगे मेरे को भी। भाग ओके आई टोल्ड देम देन लेट एनी इट ओनली दैट ओ माय गॉड। जन्माष्टमी की तैयारी हो रही और आज उनका जन्म है तो झूला जलाएंगे और जितनी भी हमने गलती की उसका माफ़ी मांगेंगे। आप भी माफ़ी मांग लेना जो भी गलती की हो आपने जीवन में, वैसे बहुत की है। और मेरी माँ छुट्टी है शूटिंग करके बहुत थक के, कैसा किया थोड़ा बहुत एक्टिंग, अच्छा कर लिया कि नहीं? कर लिया थोड़ा बहुत, ट्राई किया मैंने। पक्का ना कर लिया? अच्छा ये कौन है? ये सागर का पहिया हो गया था ना, वो पंचर हो गया था। जमान चला रहा तो आप मत चलाओ अपनी, मेरी जिस दिन चली ना तेरी जमान तो होगी भी नहीं तेरे पास। तू कैसे बोली? कितना आउटफिट है? आउटफिट कैसा है? नया नहीं बहुत पुराना है, है ये दिन पे यही पहनना चाहिए ना। तो मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ कि त्योहार के हिसाब से आज मैंने भी ये कृष्ण भगवान का ही है ना, तो करते पूजा अच्छे से। कैसा कुर्ता है? कैसा है मेरा कुर्ता? कैसा है? एकदम मोर पीस, आज पंख एकदम कन्हैया लाल लग रहा है। मैं हुई कन्हैया? कृष्ण कन्हैया रे तो। और क्या क्या मस्त लग रहा है एकदम। थैंक यू, सपने में भी नहीं सोचा ये सब कुर्ता बनाएगा, ये तो कौन अक्कल दिया इतना? अरे पागल है कैसे थोड़ी। हाँ लेकिन आज अच्छा दिन है ना, जन्माष्टमी है। कुर्ता कैसा है? हाँ मैचिंग मैचिंग कन्हैया लग रहा होगी? नहीं क्या बोली है? क्या बोली? स्मार्ट तो लग रहा हूँ मैं। एक बार मैं आपको प्रॉपरली दिखा भी दूँ। सो दिस इज द कुर्ता दैट आई एम वेयरिंग टुडे।
है तो अच्छा बहुत भैया। देखा देखी मैं भाई ने भी सोचा कि कुर्ता पहन लेते, इसका प्लान तो था कि टी शर्ट डालेगा, बट इसने मुझे देखा कि मैं कन्हैया बनाया हुआ हूँ तो सोचा कि मैं भी बन जाऊँ जो बन नहीं पा रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये किसी की शादी में जा रहा है, तो कोई एंगल से आप कन्हैया नहीं लग रहे हो पर मैं लग रहा हूँ। सो थैंक यू। ऐसा लेने का, ऐसा लेने का, अरे गदर नहीं, गदर नहीं, तो? नहीं ऐसा बांधा बांधा। तुझे लग रहा है तू कन्हैया लगने वाला है? रमेश कन्हैया कौन लग रहा है, ये या मैं ना? ब्लॉगर बनना आसान नहीं है, बहुत आसान होता है लोगों को लगता होगा कि ब्लॉगर बनना बहुत आसान है, बन के दिखा दो दिन मान जाओ। मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ, मैं ब्लॉग अपने मर्जी से बना रहा हूँ। आज मैं 14 दिनों बाद डालने वाला हूँ ब्लॉग, 14 दिनों बाद। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं डाल नहीं पाया ब्लॉग इतने टाइम से। वेलकम बैक टू आवर चैनल, माय माय चैनल, माय 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 आल्सो माय। अच्छा है इसके, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आरती पूजा सब हो चुका है और अब मैं चला सोने, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बैक टू बैक सेम चीज़ें आप लोग को नहीं बताना चाहता, मेक्स नो पॉइंट टू मी। तो बट मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ, गणपति जी आ रहे हैं मेरे घर पर, एंड आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी लकी, एंड गणपति में मैं खूब सारे व्लॉग बनाऊँगा और बहुत नाचने वाला हूँ मैं, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड and thank you so much for your love and support. So I shall see you in my next vlog.